हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिकित्सा शिविरों में अब तक 3000 से अधिक ग्रामीण हुए लाभान्वित। सतर्क आप स्वस्थ गांव मुहिम के तहत जिले भर में आयोजित हो रहे हेल्थ चेकअप कैंप, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्पी, फैशन डिजाइनर व ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर रूमा देवी द्वारा बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु निःशुल्क मेडिकल शिविरों का आयोजन कर उसमें चिकित्सीय टीमों द्वारा आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को लेकर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के तहत जिन गांवों के नजदीकी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है वहां पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर डॉक्टर की टीमों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामान्य जांचें निःशुल्क की जा रही है। अभी तक जिले में धनाऊ, चौहटन, बाड़मेर ब्लॉक के विभिन्न गाँवों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच कार्यक्रमानुसार की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से प्रारंभ हुए निशुल्क चिकित्सा शिविरों में अब तक मौसमी बीमारियों, एलर्जी, जोड़ों में दर्द, गैस कब्ज, कमजोरी के कारण चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि से संबंधित बीमारियों से निवारण हेतु 3000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं आगामी 3 महीनों में जिले के ब्लॉक क्षेत्र गुणा मालिनी, सिंधरी, धोरी मन्ना, गडरा रोड, रामसर, सेड़वा, शिव के कुल 160 गांवों में शिविर आयोजित कर निशुल्क चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जाएगा। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा समय समय पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उन्हें निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में अभी संस्थान द्वारा सतर्क आप स्वस्थ गांव मुहिम के तहत मेडिकल टीम के साथ 2 अलग अलग मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की दाणिया के बीच पहुंच हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित कर सेवाएं प्रदान की जा रही है। रूमा देवी फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि इससे पहले निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर आयोजित कर जिले के 18,500 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था। इसके अलावा कोरोना काल में कोविड किट, जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री सहित जिला प्रशासन एवं जिले के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक इंजेक्शन, ऑक्सीजन मशीन भी उपलब्ध करवाई गई। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।